हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही टेट और डीएलएड परीक्षाओं के मद्देनजर बोर्ड प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। जैसा कि वर्तमान में कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में किसी टेट अभ्यर्थी के कोविड पॉजिटिव होने के चलते उन्हें निशुल्क आगामी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। वहीं यदि कोई डीएलएड अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि टेट परीक्षाओं का शेड्यूल तय कर दिया गया है। यदि कोई टेट अभ्यर्थी कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उनका फॉर्म स्टैंड बाई रहेगा और आगे जब भी परीक्षा होगी तो मौका दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा का अवसर निःशुल्क दिया जाएगा। चेयरमैन ने बताया कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने वाले अभ्यर्थी को इस संबंध में बोर्ड को सूचित करना होगा और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखानी होगी। यही नहीं, अभ्यर्थी पॉजिटिव होने के बाद क्वारंटीन है, आइसोलेशन में है या कोई समस्या कोविड के संबंध में हुई तो ये जानकारी बोर्ड को देनी होगी। उन्होंने बताया कि डीएलएड के यदि कोई अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके लिए भी विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों से किसी तरह की अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। टेट का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, सभी परीक्षाएं एज पर शेड्यूल होंगी और ऐसे विद्यार्थी जो कोविड पॉजिटिव होंगे उनके लिए आगे जब भी परीक्षा होगी तो उनका फॉर्म स्टैंड बाई रहेगा और बिना शुल्क के उस वक्त उनको मौका दिया जाएगा कि वो परीक्षा में अपीय हो सकेंगे। परीक्षार्थी को सूचना देनी पड़ेगी कि इस प्रकार से, और उसका जो कोविड टेस्ट है उसकी रिपोर्ट भी हमें बतानी पड़ेगी उस दिन की कि वो इस प्रकार से संगरोध है, आइसोलेशन में है या कोई प्रॉब्लम कोविड के संबंध में हुई है, तो वो बताना पड़ेगा बोर्ड को। डीएलएड की परीक्षाओं के लिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है, यदि कोविड पॉजिटिव कोई केस होगा तो उसके लिए हम स्पेशल परीक्षाएं आयोजित करेंगे ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत जल्दी ही, और उसमें किसी भी प्रकार की हानि उन विद्यार्थियों को नहीं होगी, उनसे कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी।